एबीपी न्यूज के लिए ये साप्ताहिक सर्वे सी वोटर ने किया है। इस सर्वे में 4,361 लोगों से बात की गई है। सर्वे के नतीजे पूरी तरह से लोगों से की गई बातचीत और उनके द्वारा व्यक्त की गई राय पर आधारित हैं। इसके लिए एबीपी न्यूज जिम्मेदार नहीं है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और अब आपके सामने देश का मूड यानी आपका मूड क्या है, उन सवालों के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी। आप जानते हैं कि 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इस 2024 के चुनाव में महज 1.5 साल का वक्त रह गया है और ऐसे में कांग्रेस ने बहुत अहम फैसला ले लिया है अध्यक्ष पद के चुनावों को लेकर। एक अलग सी, एक डिफरेंट सी ये बयार निकल चली है कांग्रेस में। अध्यक्ष पद को लेकर कौन सा उम्मीदवार लोगों की पसंद है, अध्यक्ष पद अगर किसी के पास चला भी जाता है तो क्या वो गांधी परिवार का खड़ाऊ लेकर ही काम करेगा, वक्फ बोर्ड की संपत्ति से लेकर तमाम वो दूसरे सवाल जो आपके जहन में आज की तारीख को लेकर शुरू हो चुके हैं या खड़े हो रहे हैं, उन्हीं का सर्वे हमने किया है देश का मूड आप तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए 5 बजे ये विशेष कार्यक्रम लेकर हाजिर हो गई हूं मैं। अन्य मुद्दों को लेकर या इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता क्या राय रखती है और पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, प्रवक्ता और पार्टी हाईकमान किस तरीके की बातें रखना चाहती है, ये भी आज देश के मूड में आप जानेंगे। यानी वो तमाम मेहमान, वो पत्रकार वरिष्ठ हमारे साथ जुड़ेंगे जो इन सवालों के बाद जनता ने जो रुख बनाया है या दिखाया है वो किस तरफ इशारा कर रहा है, इसका विश्लेषण करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा देती हूँ कि वो कौन से सवाल है जो इस वक्त देश के मन में ढूंढ रहे हैं लोग।2024 के चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन से कांग्रेस में क्या बदलेगा? क्या गांधी परिवार की छाया से बाहर आ पाएगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष? चेहरा बदलने से क्या कांग्रेस अपना चुनावी हार का सिलसिला तोड़ पाएगी? कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले का सबसे विश्वसनीय सर्वे, जिसमें ये भी जानेंगे कि ममता बनर्जी का पीएम मोदी को लेकर बदलते रुख के सियासी मायने क्या है। इस पूरे सियासी खेल को किस तरह से देख रही है देश की जनता? हिजाब से जुड़े सवालों पर क्या सोचते हैं लोग? सबसे ताजा सर्वे में आपको दिखाने जा रहे हैं जनता का मूड। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर के सर्वे में आज मिलेगा सारे सवालों का जवाब। तो जैसा हमने आपको बताया, देश का मूड किन सवालों पर आधारित है वो अब से कुछ ही देर में आपके सामने रख देंगे हम। पहला सवाल जो किसी के भी जहन में आ सकता है, देखिए आज से नामांकन शुरू हो चुके हैं और ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष पद की लड़ाई को लेकर कोतूहल सबके दिल में चल रहा है और इसीलिए वो पहला सवाल आपके सामने रखूं। उससे पहले कौन से वो खास मेहमान हैं जो देश का मूड इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह साहब जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के। हमारे साथ आरपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और शशि शेखर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रधान संपादक है हिंदुस्तान के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत कर रही हूँ उस पहले सवाल से। ये सवाल जब हमने लोगों से पूछा तो उनका क्या कहना था, उनकी राय क्या थी, अब से कुछ ही देर में आप जान लेंगे। देश का मूड क्या है, सवाल नंबर एक। सवाल ये कि कांग्रेस अध्यक्ष किसे बनना चाहिए,
जब ये सवाल पूछा गया तो आप देखिए जवाब क्या मिला है। राहुल गांधी का नाम जब हमने आगे रखा तो 46% लोगों ने कहा हाँ राहुल गांधी को बन जाना चाहिए एक बार फिर से अध्यक्ष। अशोक गहलोत का नाम जब हमने आगे रखा तो 13% लोगों ने कहा कि हम इस नाम से सहमति जताते हैं। शशि थरूर भी मैदान में है, उनका नाम आया तो ये आंकड़ा घटकर 11% हो गया। बड़ा दिलचस्प है, जब हमने एक और ऑप्शन रखा इनमें से कोई नहीं, जब हमने ये कहा इनमें से कोई नहीं तो 30% लोगों ने कहा इनमें से कोई और नहीं, हमें कोई और चेहरा देखना है अध्यक्ष पद के रूप में। तो फिर आपको बड़ी बात बता देती हूँ, इस वक्त की ये बड़ी खबर, देश का मूड ये कहता है कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए राहुल पहली पसंद है, ये सर्वे बता रहा है। 40% लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। सर्वे में गहलोत को 13% लोगों ने अपनी पहली पसंद माना है और शशि थरूर को 11% लोगों ने अपनी पसंद माना है। इनमें से कोई नहीं कहने वाले 30% लोग हैं। और जैसा मैंने कहा सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, अगर आप इस सर्वे में हमारा एक सैंपल होते तो आपकी मोहर किस पर होती? ऑप्शन दे देती हूं मैं, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, शशि थरूर, इनमें से कोई नहीं। देखिए रूबिका जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सर्वे आपका जो कांग्रेस के अध्यक्ष पे है, क्योंकि पूरा देश और मीडिया की नज़र कांग्रेस के राजनीतिक जो पार्टी है उसके प्रेसिडेंट के चुनाव पे है। और इसलिए है क्योंकि देश को और मीडिया को ये विश्वास भी है, ये पता भी है, और उसमें ये एक बात की आस्था है कि देश में जितने भी लोकतांत्रिक हमारे राजनीतिक दल हैं उनमें आंतरिक लोकतंत्र सिर्फ कांग्रेस में, किसी और दल से मीडिया या देश के लोग संगठनात्मक चुनाव की अपेक्षा भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ होता ही नहीं, चाहे भले सत्तारूढ़ दल बीजेपी हो या कोई और हो। तो ये हमारी विश्वसनीयता हमारी साबित करती है कि देश के लोग हम में कितना यकीन आस्था रखते हैं कि एक ऐसा दल है जहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया राजनीतिक दल के अंदर विद्यमान है। अब उसमें जो हमारी प्रक्रिया चालू है, हमारी प्रक्रिया में संगठन के आज से नॉमिनेशन की डेट शुरू हो गई है, जो भी प्रत्याशी आएगा और अगर एक से ज़्यादा आएंगे तो मतदान होगा, अगर एक आएंगे सर्वसम्मति से कोई होगा तो मतदान नहीं होगा, पूरे जो डेलीगेट्स हैं वो वोट देंगे। तो ये जो लोकतंत्र में पार्टी के अंदर भी एक लोकतंत्र हो तो लोकतंत्र उससे और मजबूत होता है, और यही प्रक्रिया कांग्रेस को और देश के लोकतंत्र को और मजबूत करती है। अखिलेश जी, जहां तक रही बात आपने पूछा, हमें अपने सवाल पर आ रही थी, लेकिन आप पहले पार्टी की प्रक्रिया को बताना चाह रहे थे और ये आपका हक भी है, आप अपनी पार्टी में कितना लोकतांत्रिक मूल्यों को रखा जाता है, उसे उसका पालन किया जाता है वो आप बताएंगे। लेकिन अगर अखिलेश प्रताप सिंह इस वक्त हमारा सैंपल होते, यानी इनसे अगर हम सवाल पूछते, मैंने वही बताने जा रहा था, आपको पूछना चाहिए था, आपको पूछना चाहिए था, आपने अपने सैंपल में मुझसे पूछा क्यों नहीं, ये तो मेरी कोई कमी नहीं है, लेकिन अब आप पूछ रही हैं ऑन रिकॉर्ड तो मैं बता रहा हूँ। देखिए कांग्रेस पार्टी या आपका सर्वे, ये सब लोग तो ये चाहते थे कि राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन उनका अपना निर्णय, उन्होंने जब कह दिया कि हम अब नहीं बनेंगे, अच्छा, तो जो भी हमारा अध्यक्ष चुना जाएगा, जिस तरह से चुना जाएगा, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उससे हमारा संगठन और मजबूत ही होगा। अच्छा अखिलेश जी, अब थोड़ा और सवाल में टफ कर देती हूँ, आपने राहुल गांधी को चुना पर राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद को नहीं चुना, अब आपकी दूसरी चॉइस कौन है, अशोक गहलोत या शशि थरूर? नहीं, अभी तो प्रत्याशी आने तो दीजिए, अभी हमारे जब प्रत्याशी आएंगे, और ये हमारे यहाँ गोपनीय मतदान होता है, बैलेट बॉक्स रखा जाता है, हमारे यहाँ चुनाव प्राधिकरण है, उनके देखरेख में, आपके लिए हमारे यहाँ आपके लिए गोपनीय है, आपके दिल में आप भी जानते हैं आप किसे देंगे, अगर अगला वोट आपको पहले चॉइस के तौर पर दिया जाना चाहिए तो किसको देंगे, हमने ये सवाल पूछ लिया है, और ये जब सवाल पूछा देश की जनता के सामने ये सवाल रखा, तो अखिलेश जी देखिए आंकड़े क्या आए हैं। सवाल ये पूछा गया कि अशोक गहलोत और शशि थरूर में से ज्यादा
किसको आप पसंद करते हैं, ये रहा आपके सामने। अशोक गहलोत को पसंद करने वाले 32% लोग हैं, शशि थरूर को 2% कम 30% लोग पसंद कर रहे हैं। कह नहीं सकते, अभी बड़ी कंफ्यूज वाली मुद्रा में मोड में चल रहे हैं, ऐसे 38% लोग हैं। अशोक गहलोत और शशि थरूर में ज्यादा लोकप्रिय नेता अशोक गहलोत निकल कर आए हैं। लोकप्रियता में गहलोत थरूर लगभग बराबर जरूर है, 2% आगे यानी 32% पर अशोक गहलोत लोकप्रिय है, 30% शशि थरूर लोग मानते हैं कि लोकप्रिय हैं और कह नहीं सकते, इन दोनों से आंकड़ा ज्यादा है 38%। और जैसा हमने कहा कि सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सिंह साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाई कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए इस वक्त पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना हुआ है या वो वाली स्थिति है कि जानना चाहते हैं आएगा तो कौन आएगा, और जो आएगा वो वाकई गांधी परिवार से कांग्रेस को दूर ले जाएगा। देखिए ये तो बड़ा स्पष्ट है, अंतर्गतवा तो तय तो चार लोगों ने करना है, दो गांधी दो वाड्रास ने, और ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठकर या डाइनिंग टेबल पे बैठकर रात को भोजन के समय तय कर लेंगे किसको बनाना है, अध्यक्ष अपने में से बनना है या हमने बाहर में से किसी को लेकर आना है, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं। 10 साल रिमोट कंट्रोल का प्रधानमंत्री था, 2024 तक जब तक अगला लोकसभा का चला हुआ है एक रिमोट कंट्रोल वाला अध्यक्ष रहेगा। मूल बात यह है कि राहुल गांधी खुद अध्यक्ष बनने से क्यों घबरा रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं अध्यक्ष बनना चाहते, और 2019 में उन्होंने अध्यक्ष पद क्यों छोड़ा, वो इसलिए कि अब वो और हार का ठीकड़ा अपने सिर पर नहीं लाना चाहते। उनको सुनिश्चित पता है कि अब से लेकर 2024 तक के जितने चुनाव हैं वो सब के सब वो चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए उनको डर है कि मैं अगर रहा अध्यक्ष बन गया तो सारा ठीकड़ा मेरे सिर पर फूटेगा, इसलिए किसी बाहर के व्यक्ति को लगाओ लाओ उसको स्केपगोट बनाओ, बलि का बकरा बनाओ, और उसके बाद फिर देखेंगे, परंतु अभी तो अपनी जान बचाओ, ये है मूल बात। परंतु ठीक है, अब वो अशोक गहलोत साहब हो, शशि थरूर साहब हो, अब वो पानी में बिजली निकालने के बाद कितना पानी बचेगा, पानी में कितना दम बचेगा, गहलोत साहब का एक जगह प्रवचन था कि पानी से बिजली निकालने तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाते तब भी आपको परेशानी होती, राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं तब भी आपको परेशानी हो रही है, तो फिर कांग्रेस वाले कहेंगे ना कि करें तो करें क्या। नहीं करें तो ये है कि अपने यहाँ ये कह रहे हैं कि इनके लोकतांत्रिक प्रक्रिया अडॉप्ट की गई है, 9000 डेलीगेट की लिस्ट, मैं नहीं कह रहा, इन्हीं के लोग कह रहे हैं कि वो 9000 डेलीगेट्स की लिस्ट की जानकारी नहीं है, वो 9000 डेलीगेट्स के लिए प्रश्न उठा रहे हैं कि 9000 डेलीगेट्स कहाँ गए, उनकी लिस्ट हमको नहीं मिल रही, ऐसे इनके यहाँ से ही कई लोगों ने प्रश्न उठाए हैं। और कांग्रेस की परिस्थिति अंदर खाते क्या है, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की चिट्ठी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था, जहाँ जाते जाते शेरगिल जो बोल गए हैं वो सब जानकारी में है, जयवीर शेरगिल जो बोल गए हैं, मैंने दोनों इसलिए नाम लिए, बीके नाम लिए, कोई एक बिल्कुल कम उम्र के हैं, एक हमारे यहाँ वृद्ध उम्र के थे आज़ाद साहब, तो स्थिति तो सबको स्पष्ट है कि कैसे स्थिति है कांग्रेस के अंदर की, परंतु उनको बधाई हो, अगर उनके यहाँ कोई चुनाव का प्रोसेस होता है तो उनके उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लोकतांत्रिक मामला है। हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं, आप कह रहे हैं कि अखिलेश प्रताप सिंह साहब कह तो जरूर रहे हैं कि यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष रहने वाले हैं, ये सवाल हमने देश की जनता से पूछा था और जवाब क्या आया है वो जानने के उत्सुक आप भी होंगे जितना इस वक्त एबीपी न्यूज के दर्शक है। तो सवाल ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी बने रिमोट गांधी परिवार के पास ही रहेगा, ये सवाल जब हमने पूछा तो क्या आया आंकड़ा, अब वो आपके सामने रखेंगे हम। देश का मूड ये कहता है कि हाँ कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी बने रिमोट गांधी परिवार के पास रहेगा 65% लोग ये मानते हैं, नहीं कहने वाले 35% लोग हैं, लेकिन हाँ कहने वाले आप देखिए 65% लोग ये मानते हैं कि अध्यक्ष कोई भी बन जाए लेकिन रिमोट कंट्रोल जो है वो गांधी परिवार के हाथ में रहने वाला है। हमारे साथ शशि शेखर साहब भी बने हुए हैं। शशि जी, ये सवाल हर किसी के मन में चल रहा है कि ये महज एक दिखावा भर है, एक बार मैं बड़ा बिंदु बता दूं, अध्यक्ष कोई भी रिमोट गांधी परिवार में, सर्वे का नतीजा ये कहता है रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के पास रहेगा, 65% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ हमें तो यही लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी हो रिमोट गांधी परिवार के हाथ में रहेगा। शशि जी,
देखिए इसमें दो बातें हैं रूबिका। पहली बात यह कि एक सामान्य धारणा है कि गांधी परिवार जो अपना एक जो लॉ है, जो उनका नियंत्रण है कांग्रेस पर, उसे ढीला नहीं करना चाहता। लेकिन जब राहुल गांधी ने शुरुआत पे ही बोल दिया कि अब मैं इससे अलग हूँ, और उन्होंने कहा कि अब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, शशि थरूर गए सोनिया गांधी से, उन्होंने इजाज़त मांगी और सोनिया गांधी ने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है, जो भी चुनाव लड़ना चाहे। तो आज बिना देखे पुराने एक्सपीरियंसेस या पुरानी बातों के आधार पर कुछ बातों को नहीं कहना चाहिए। स्मृतियाँ लोगों की कुंद होती हैं, मैं उनको याद दिला दूँ। जब राजीव गांधी की अनफॉर्चुनेट हत्या हुई थी, तो उस समय लोगों ने जाकर कहा था सोनिया गांधी से, कांग्रेस के सभी लोगों ने, कि आप अध्यक्ष बन जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मैं राजनीति नहीं करना चाहती, मैंने बहुत कुछ गंवा दिया। और उसके बाद उन्होंने ऐसे ही उन्होंने बातचीत पे कहा कि नरसिंह राव बन जाए तो कैसा रहेगा। लोगों ने नरसिंह राव को अध्यक्ष बनाया, नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री भी बने। और नरसिंह राव ने क्या किया, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और गांधी परिवार किनारे हो गया। नरसिंह राव जब जेल जाने की स्थिति में आ गए 96 में, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे, मैं नहीं कह रहा सही थे या गलत थे, लेकिन आरोप लगे। और उन आरोपों के समय में उन्होंने सीताराम केसरी को बनाया। सीताराम केसरी ने बड़ी श्रद्धा दिखाई कि साहब बड़ी कृपा की राव साहब ने मेरे ऊपर, और अब मैं उन्हीं के कहे पे चलूँगा। लेकिन उन्होंने उन्हें लोकसभा के जो विपक्षी नेता का पद था उसे हटा दिया बाद में। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में जब कोई पद पे आता है तो एसर्ट भी करता है, और राहुल गांधी अब एक विचार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अब फिलहाल इस लड़ाई से अपने को दूर रखना चाहते हैं, और उसकी उन्होंने जो यात्रा की शुरुआत की है, मुझे लगता है वो उसकी शुरुआत है। तो अभी थोड़ा समय देना चाहिए रूबिका, ऐसा मेरी निजी मान्यता है। लेकिन ये जो सवाल आप इन सवालों का जवाब दे रहे हैं शशि जी, कि अभी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कैसे इतिहास ने अपने पन्ने पलटे थे, और आने वाले फ्यूचर के पन्ने किस तरीके से पलटेंगे ये कोई भी परसीव नहीं कर सकता है। लेकिन जो 65% ये मानते हैं अखिलेश प्रताप सिंह साहब कि रिमोट कंट्रोल जो है वो गांधी परिवार के पास ही रहेगा, उसके पीछे एक बड़ा मकसद वो तस्वीरें भी हो सकती है अखिलेश जी, जहां भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी चूंकि गांधी परिवार से हैं, चूंकि वो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, तो लाइमलाइट और फोकस पूरा उनके ऊपर है, महज एक सांसद के तौर पर नहीं, इसलिए क्योंकि वो गांधी परिवार की विरासत को आगे ले जा रहे हैं। तो फिर ऐसे में अध्यक्ष का कितना अपना रुतबा रहेगा? देखिए बीजेपी या आरएसएस या इनके लाइक माइंडेड जो भी लोग हैं, कांग्रेस की तारीफ करने लगेंगे, हम कुछ भी करें अगर वो तारीफ करने लगेंगे तो उस दिन हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय हो जाएगा। तो हमारे यहाँ चुनाव हो तो भी इनको अच्छा नहीं लगेगा, ना हो तो भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ हो तो भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये हीन भावना से ग्रस्त हो गए, इसलिए कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इनके यहाँ नहीं अपनाई जा रही है। तो उस हीन भावना से ग्रस्त होने के बाद ये इस तरह के बयान देंगे ही कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। लेकिन अखिलेश जी, दूसरी बात, रूबिका जी, कितने साल लग गए पॉलिटिक्स में, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए हिंदुस्तान में जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है या जो नेता लोग हैं पूरे देश में, उनमें अगर सबसे विश्वसनीय और सबसे ज़्यादा आप यो कहिए कि जिस पे लोग उम्मीद रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो राहुल गांधी हैं। चुने गए भले आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, लेकिन विश्वसनीयता नहीं है उनकी, उनकी विश्वसनीयता नहीं है। अपने बोले हुए किसी भी वादों को दोबारा वो जिक्र नहीं करते। अरे सुनिए, बोल रहा हूँ मैं सबूत के साथ बोलता हूँ। आदरणीय मोदी जी जो बोलते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ या कर रहा हूँ, हाँ सुनिए, मोदी जी से पूछिए कभी अच्छे दिन का जिक्र किए हैं, कभी काले धन का जिक्र किया है, कभी चीन का जिक्र किया। एक ट्विटर से आरपी सिंह साहब और अखिलेश प्रताप सिंह साहब कर सकते हैं। गिनाने दीजिए अखिलेश जी, प्लीज। नहीं नहीं, मैं गिनाने दूंगी, पूरा मौका दूंगी सर, आप ही का टाइम है। आपने पूछा तो सुनिए, देश का मिजाज इस वक्त क्या कह रहा है, देश का मूड इस वक्त क्या कह रहा है, यही हम आपको बताने की कोशिश में है। हमने अब से पहले लगभग 3 सवाल आपके सामने रखे हैं, और उन 3 सवालों का रीकैप जल्दी से कर देना चाहती हूँ। पहला सवाल तो यही था कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में
आप राहुल गांधी को पहले पसंद के तौर पर देखना चाहेंगे? और फिर दो नाम और रखे थे, अशोक गहलोत और शशि थरूर। पक्ष में राहुल गांधी के 46% वोट पड़े हैं। अशोक गहलोत और शशि थरूर में कौन बेहतर या कौन लोकप्रिय? मामला बड़ा टाइट था। 32% ने कहा अशोक गहलोत, 30% ने कहा शशि थरूर। अध्यक्ष कोई भी बने, रिमोट कंट्रोल क्या गांधी परिवार के हाथ में रहेगा? तो 46% लोगों ने कहा हमें तो यही लगता है। अब अगला सवाल आपके सामने रख रही हूँ, देश का मूड, देश का मिजाज क्या कह रहा है। सवाल ये था कि अगर गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या उन्हें सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? जवाब आपके सामने है, हाँ कहने वाले 63% है, ना कहने वाले 37% लोग है, लेकिन 63% लोग ये मानते हैं कि हाँ इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनावों को लेकर वो सवाल थे, लेकिन देश में अभी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर देश की जनता का क्या विचार है, क्या राय है, क्या सोच है, क्या मिजाज है, वो सवाल हमने उनके सामने रखे और जवाब क्या था आप जानेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। लेकिन फिलहाल 37% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, अशोक गहलोत को इस्तीफा सीएम पद से नहीं देना चाहिए, और 63% यानी 63% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अखिलेश जी, वादा आपसे था कि आपकी बात रखने का मौका दूंगी, अब बताइए कैसे कह सकते हैं, किस बिना पर आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो सबकी पहली पसंद है लेकिन दो ही राज्यों में आपकी सरकार? मैंने कहा वोट भले मोदी जी पा गए हो, विश्वसनीयता की बात हो रही है, बुरा मत मानिएगा मैं जो कहने जा रहा हूं। देखिए रूबिका जी, 2014 के पहले जो जागरूक मीडिया के भाई लोग बहन थे वो भी महंगाई पे जो लिखते थे, जो ट्वीट करते थे, बेरोजगारी पे जो बातें करते थे, मोदी जी भी करते थे, जो सरकार से सवाल होती थी, नारी सुरक्षा पे होती थी, गैस पे होती थी, डॉलर पे होती थी, चाहे वो मीडिया उस समय की जो आज भी है और चाहे आज मोदी जी हैं, कभी जिक्र करते हैं ये लोग। विश्वसनीयता यही होती है कि अगर आपने कभी कुछ कहा है, वादा किया है, हम आ करके ये करेंगे, तो आप उस पर बताइए तो आपने क्या क्या किया है। लेकिन 8 साल में उन शब्दों का कभी उच्चारण तक नहीं करता। काले धन का कभी उच्चारण मोदी जी ने किया? अच्छा, मोदी जी 15 लाख का किया, 2 करोड़ नौकरियों का किया, 100 स्मार्ट। अब चूंकि आपने एबीपी न्यूज पर ये सवाल किया है, तो मैं आपको दो चीजें अखिलेश जी, अब आपने कहा, मैंने सुना उन सवालों को, पहला तो कि नौकरियों के वादों को लेकर सवाल किए जाते हैं नहीं, मेरी बात हो कल ही रात को 10 बजे घंटी बजाओ कार्यक्रम वो मैंने किया था प्रभु, और उसमें शिवराज सिंह चौहान से सीधे तौर पर सवाल किया था एबीपी न्यूज ने कि आपने फला लाख नौकरियों का वादा किया था और कितनी नौकरियां दी है बता दीजिए, और जो नई नौकरियों के आप वादे कर रहे हैं उनमें से कितनी पूरी कर पाएंगे कि नहीं? आपने मोदी जी से किया? क्यों नहीं करेंगे मोदी जी से? आपने मोदी जी से किया? अरे भाई मोदी जी रिस्पांसिबिलिटी देश के ले रहे हैं। नहीं, मोदी जी से किया आपने, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? नहीं 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 नहीं, वादे देखिए देखिए आप मुझे बोलने दिए, सवाल तो हमें करना ही है और देश हित में ये सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? मुझे बोलने दीजिए। हाँ हाँ, तो आप जवाब लीजिए ना, आप जवाब लीजिए ना मुझसे। देखिए चुनाव मोदी जी के नाम पे हुआ, एक प्रश्न मेरा भी है, मोदी जी ने मैनिफेस्टो जिस दिन जारी हुआ था उस दिन ये बात को कह भी दिया था, और मोदी जी के वादों पे लोगों ने विश्वास करके इतना बड़ा जनादेश दिया था, ये भी फैक्ट है, क्योंकि उस वक्त जो ये बोल रहे थे लोगों को लग रहा था कि ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद उससे 180 डिग्री टर्न। सिर्फ मेरी याददाश्त जिक्र न करें, आप डॉलर का जिक्र नहीं कर लीजिए, ये वादा कब किया था उन्होंने? बोलने तो दीजिए। हाँ, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, सर जवाब दीजिए, ये वादा कब किया था, कौन से सन में किया? जब भी किया हो, जब भी किया हो, जब भी, सुनिए सुनिए, जब भी किया हो। अब मैं आपको कुछ वादे फिर गिना दे रहा हूँ, देखिए अच्छा कर रहे हैं आप, कुरेद रहे हैं, मैं आपको वादे गिना दे रहा हूँ। मोदी जी ने कहा था कि 2024 में सबको पक्का घर होगा। हाँ, सर। इसी चुनाव के बाद कर, सुन, 2022 में, 24 में, 2022। हाँ, मैं समझ गई, आप ये सारी बातें एक बार फिर से गिना दीजिएगा, मैं मौका दूंगी आपको। लेकिन अगर वो वादा उन्होंने फला साल में किया उसके बावजूद चुनकर आ जाते हैं और आप कहते नहीं विश्वसनीयता सिर्फ जो है राहुल गांधी की है, कौन यकीन करेगा इस बात पर? लेकिन देश का मूड, उन सवालों के जवाबों पर जनता ने कहां मुहर लगाई है ये जनता जानना चाहती है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी, कुछ और सवाल बाकी है, चाहे वो हिजाब हो, वक्फ बोर्ड हो,
चाहे वो ममता बनर्जी का आजकल रुख बदल जाना हो, इन सारे सवालों के जवाब 2024 महाचुनावों के लिए अब 1.5 साल से भी कम का वक्त बचा है और इसीलिए एबीपी न्यूज जानना चाहता है देश का मूड। देश का मूड में सवाल हमने ममता बनर्जी के बदले रुख को लेकर जब जनता से पूछा और सवाल जो पूछा कि ममता का पीएम मोदी को लेकर बदला रुख क्या 2024 में विपक्ष एकजुट हो पाएगा, हाँ कहने वाले 46% लोग और ना कहने वाले 54% लोग हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं आरपी सिंह साहब, आपके पास आओ उससे पहले एक और सवाल इसमें जोड़ दिया जाता है और सवाल ये कि अभी अभी पंजाब से खबर आई कि कैप्टन अमरिंदर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, तो क्या कैप्टन अमरिंदर के जुड़ने से पंजाब में बीजेपी को फायदा होगा, हाँ कहने वाले हैं 53% लोग और ना कहने वाले हैं 37% लोग। और इसीलिए अब ये सवाल खड़ा हो जाता है आरपी सिंह साहब कि आपको कांग्रेस के नेताओं की जरूरत जरूर पड़ेगी अगर एक बार फिर से जीत हासिल करनी है और यही मिशन आपका दिख भी रहा है। देखिए रूपिका, जो भी राष्ट्रभक्त लोग हैं और जो मोदी जी की पॉलिसीज में विश्वास करते हैं वो सबका सब जुड़ रहे हैं, परंतु मैं एक बात अखिलेश जी बात का जवाब दे दूँ। बार बार पूछ रहे थे कि महंगाई और रोजगार के बारे में, मेरे पास एक डेटा है और मैंने आपकी डिबेट के दौरान डेटा मंगवाया है और ऑफिशियल डेटा है, प्याज के दाम 2004 से लेकर 14 में 170% बढ़े थे, इन दोनों में 39% बढ़े हैं और अरहर की दाल के 117% बढ़े थे, इन दोनों में 52% बढ़े हैं। LPG गैस इनके टाइम में 284% बढ़ी थी, इन दोनों में 13% बढ़ी है। तो ये अपनी तरफ जो करते रहे, परंतु और एक डेटा और दे देता हूँ मैं रोजगार का, जो कि मेरा नहीं 36% भारत सरकार का, जो कि गलत हो सकता। 2018-19 में 1,49,00,000, 19-20 में 1,51,00,000 और 20-21 में जबकि कोरोना का मार थी 1,15,00,000 लोगों को रोजगार मिला, ये ऑफिशियल डेटा है। इसमें भी मैं वो नहीं जोड़ रहा जो कि मुद्रा लोन में या स्वरोजगार के अंदर, ये वो डेटा है जो कि सरकार की ओर से ऑफिशियली रिलीज किया डेटा है। तो ये कहते रहे लोगों में विश्वसनीयता की बात करते हैं, अरे कहाँ की विश्वसनीयता की बात करते हो, एक चुनाव राहुल गांधी जीते हो जब से अध्यक्ष बने तो मान जाएंगे, विश्वसनीयता की बात करते हैं। वो कहते रहे राजस्थान के अंदर कहकर आए थे मैं 10 दिन के अंदर लोगों के कर्जे माफ कर दूंगा, मैं किसानों का कर्जे 10 दिन में माफ कर जाऊंगा, जरा राहुल गांधी को बोले इस बार जाए वहां पर, लोग पकड़ेंगे इस बात को कि 10 दिन के अंदर कर्जे माफ करने की बात कहां गई। समय क्या वादे बड़े कर लेना और जिसको पूरा ना करना। 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देश में 11 करोड़ लोगों को मिलता है आज, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ था, मतलब 11 करोड़ परिवारों को 55 करोड़ लोगों तक कवर होता है उसके अंतर्गत। यही तक नहीं, जो एक मिनट सुन लीजिए, देश के अंदर 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को किसान सम्मान निधि मिलती है, 2.5 करोड़ महिलाओं को सिर पे छत दी गई है, देश के अंदर कोई 11 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, निरंतर मोदी जी काम कर रहे हैं। आरपी सिंह साहब और अखिलेश प्रताप सिंह साहब, आप दोनों के पास अपने अपने आंकड़े होंगे, आप कहेंगे हम देश को इतना आगे ले गए, अखिलेश जी कहेंगे हम देश को इतना पीछे लेकर, आप लोग जो है देश को इतना पीछे लेकर चले आए हैं और ये बहस निरंतर जारी रह सकती है, ये कभी नहीं रुकने वाली बहस है। लेकिन देश का मूड क्या है, मैं ये समझने और जानने की कोशिश कर रही हूँ। अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि देश का मूड ये है कि राहुल गांधी सबसे विश्वसनीय नेता है, जीते भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरपी सिंह यही तो विश्वसनीयता का पैरामीटर क्या है, पैमाना क्या है, जब लोग वोट देते हैं जिस पे विश्वास करते हैं उसी को वोट देते हैं, जिस पे विश्वास नहीं करते उसको वोट नहीं देते। इन्होंने वादे किए थे ना अपने टाइम में कि हम कुछ पैसे देंगे, परंतु लोगों ने नहीं विश्वास किया। हमने वादा किया था हम किसानों की चिंता करने के, लोगों ने विश्वास किया हम पर। मैंने जो बात कही, आज देश के अंदर जब कोरोना काल था मोदी के खिलाफ कौन बैठे थे 2024 में, मोदी के खिलाफ कौन, ममता बनर्जी एक अलग मोर्चा बना रही है, TRS एक अलग मोर्चा बना रहे हैं, वहाँ JDU के जो कर्ता धरता हैं वो एक अलग मोर्चा बनाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, तो मोदी वर्सेस कौन? शशि शेखर जी, देखिए अभी पत्ते खुले नहीं हैं, लेकिन आप कुछ चीज़ों को गौर से देखिए। आज लालू यादव की बाइट आपके यहाँ भी चली है, लालू यादव और नीतीश कुमार कल 25 तारीख को सोनिया जी से मिलने जा रहे हैं,
ममता बनर्जी जरूर अपनी बात अलग कहती हैं, अरविंद केजरीवाल जरूर अपनी बात अलग कहते हैं, लेकिन 2024 अभी बहुत दूर है। जहां तक प्रधानमंत्री पद का सवाल है, एज ऑन डेट नरेंद्र मोदी जी को कोई चैलेंज नज़र नहीं आता एज ऑन डेट, लेकिन डेढ़ साल में स्थितियां कैसी बनेंगी बदलेंगी इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। ये भी तो हो सकता है कि लोकप्रियता बढ़ जाए नरेंद्र मोदी की, तो ऐसा तो कोई पैमाना नहीं है ना कि गिरेगी ही गिरेगी, और ये भी हो सकता है कि कोई सार्थक बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाए। तो अभी हम लोगों को थोड़ा वेट करना होगा, अभी लेकिन एज ऑन डेट सवाल आपका जायज है कि मोदी के खिलाफ कौन, क्योंकि वही प्रधानमंत्री है और वही सबसे लोकप्रिय नेता के सारे सर्वे में शिखर पर। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और सवाल मैं रख देना चाहती हूँ, और ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप जानते हैं हिजाब को लेकर ईरान में महिलाएं सड़कों पर उतर आई है, जंग लड़ी जा रही है और ये कहा जा रहा है ये हमारी आजादी है, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा था कि कैसे यहाँ हिंदुस्तान में हिजाब को लेकर एक अलग ही मुहिम चली कि भाई हमें तो पहनने का हक, ये हमारी चॉइस है, पहनना ही पहनना है। बहरहाल सवाल ये पूछा गया, क्या हिजाब पहनकर स्कूल जाने की इजाजत मिलनी चाहिए? हाँ कहने वाले 42% थे, ना कहने वाले 58% थे। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, और बड़ी खबर इस वक्त देश के मूड को लेकर यह है कि स्कूल में ना हो हिजाब की अनुमति। सर्वे में लोगों ने 58% के साथ ये कहा है कि स्कूलों में हिजाब ठीक नहीं है। ये वो तमाम मुद्दे हैं जो 2024 में भी अखिलेश प्रताप सिंह साहब आएंगे, आप चाहे हाँ कहें या ना कहें। राहुल गांधी की एक तस्वीर थी, बच्ची साथ में थी, उस बच्ची ने हिजाब पहना हुआ था, उस पर भी बहुत लोगों ने चर्चा की, उस पर भी लोगों ने कहा कि क्या इस बच्ची को हिजाब पहनना चाहिए था या नहीं। देखिए ये बहुत अलग और अलहदा मसला है कि वो उसकी चॉइस है, होनी भी चाहिए कि नहीं, लेकिन इस सवाल के जवाब में आप कौन सा सवाल उठा पाएंगे या क्या जवाब दे पाएंगे कि बच्चियों को हिजाब पहनकर स्कूल जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? देखिए राहुल जी के साथ एक छोटी सी बच्ची हिजाब पहन के गई, उस बच्ची को क्या पता ये क्या है, पेरेंट्स जो पहनाते हैं जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उस पर सवाल खड़ा किया उन्होंने अपने स्तर का पता परिचय दिया कि वो कितने मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे मीडिया के, ये तो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, कहाँ हैं मोदी जी? बिहार 15-15 सीटें खाली कम कर रहा हूँ, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मोदी फोबिया क्यों है मैंने समझ में नहीं आता है, राजस्थान, देखिए मैं हिजाब की चर्चा करने लगी हूँ, अरे सुनिए पहले, दूसरे मुद्दों की चर्चा कर रही हूँ, आप मोदी 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 कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, पहले आप बात सुनिए, आप पहले बहुत बहुत गलत बात है। दो बार आरपी सिंह जी ने बोला, आपने बीच में एक लफ्ज नहीं बोला, हूँ हाँ भी नहीं बोला, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? चुपचाप उनका डिक्टेशन सुनती रही। नहीं, ये नहीं, कैसे नहीं, कह सकते हैं आप? रिवाइंड, मैं नोट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, क्या नोट कर रहे हैं आप? हाँ, एक लफ्ज नहीं बोला आपने, आपको रिवाइंड करिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सबसे ज्यादा टाइम मैंने आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, रिवाइंड करिए, अखिलेश प्रताप सिंह साहब रिवाइंड करिए, आरपी सिंह ने जितना बोला है उससे ज्यादा आपने बोला है, बोलने नहीं देती हैं आप, ये झूठा आक्षेप मुझ पर ना लगाएं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी सर। अरे आरपी सिंह साहब ने अब तक जितना बोला है, आप क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे? झूठा बोल रही हैं, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, जो बोलती हूँ सामने बोलती हूँ, चिड़िए मत, आईना दिखा रहा हूँ, आईना, अरे मैं चुनौती देता हूँ, रिवाइंड कर दीजिए, देखने की जरूरत है, करिए रिवाइंड, आप रिवाइंड कीजिए, रिवाइंड करिए आरपी सिंह का, सबसे ज्यादा, अरे मैं चुनौती देती हूँ, चुनौती देता हूँ आपको, आपसे की है, आपको चुनौती देता हूँ, आप खामोशी से सुनती रही है, सुनिए, समय जाया मत करिए, मैं जाया नहीं कर रही, समय जाया मत करिए, प्रॉब्लम आपको है, सुनिए, सुनना, यही अहंकार ले बीतेगा आप लोगों को, यही अहंकार ले बीतेगा, कई सालों से सत्ता में नहीं है, लेकिन गलत बात वाले बैठे हुए हैं, गलत बात जो है वो मैं कर रहा हूँ, जो गलत बात है वो मैं बता रहा हूँ, सुनिए भाई, कौन है भैया इस चैनल का मालिक, क्या करना है मालिक से दिया जाता है, नहीं क्या करना है, अपनी बात को रखने दीजिए, आप बात नहीं सुनेंगी, आप बात नहीं सुनेंगी, नहीं तो आप चैनल के मालिक के पास जाएंगे कि आपकी आलोचना नहीं हो सकती, अरे मैं तो कर, अरे आपको आप जब बोलने नहीं देंगी, मैं जरा सा जिक्र करता हूँ, जरा सा मोदी जी का जिक्र करता हूँ, आप हमें
के मालिक नौकर का जो आपके अंदर सिस्टम बैठा हुआ है, हमें अपना बात नहीं रखने देते हो, बाहर नहीं निकल पाएंगे। अरे आप, आपको लगता है कि हर कोई डिक्टेशन देता है, जैसे आपकी पार्टी में आपको डिक्टेशन दिया है मोदी जी का जवाब देने के लिए, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं तो सुनना नहीं चाह रही थी ना, जो आप ही बार बार तस्वीर जप रहे हैं, प्रधानमंत्री वो है, मैं मुद्दा अलग लेकर जा रही हूँ, आप मोदी मोदी प्रधानमंत्री आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आप, अरे रुक रही हूँ अखिलेश जी, लौटेंगे उस पर बात हो जाएगी। मैं कह रही हूँ देश में दूसरे मुद्दे हैं, जरा उस पर चर्चा हो जाए, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो 2024 में बनते दूसरा मोर्चा हो, तीसरा मोर्चा हो, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। देश का मूड में अब दो वो महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब किसी और ने नहीं, देश की जनता ने दिया है अपना मिसाज बताते हुए। और सवाल ये पूछा गया कि यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जाँच का फैसला सही है या गलत। 69% लोगों ने कहा है ये फैसला सही है और 31% लोगों ने कहा है ये फैसला गलत है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये पूछा गया कि क्या यूपी की ही तर्ज पर देश के अलग अलग इलाकों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए कि नहीं। जवाब हाँ में आया है, कहा गया है हाँ, 80% लोगों ने कहा हाँ, दूसरे राज्यों में भी वक्फ की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ 20% लोग थे जिन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी बातें, देश का मूड, जहां पर हमने लगभग कुछ 10 सवाल पूछे, सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे, हालांकि इन दो सवालों पर मैं रिएक्शन नहीं ले पाऊंगी, वक्त की कमी है। अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आरपी सिंह साहब आपका भी और शशि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देश का मूड में ये सर्वे लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा, अभी देखते रहिए आप एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।